प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों के नाम नहीं काटने को लेकर सरपंच संघ ने कसरावत में एसडीएम को ज्ञापन दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों के नाम नहीं काटने को लेकर शनिवार को सरपंच संघ जिला अध्यक्ष परसराम यादव के नेतृत्व में कलेक्टर के नाम एसडीएम संघ प्रिय को ज्ञापन दिया गया। सरपंच संघ जिला अध्यक्ष परसराम यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पूर्व से ही कई पात्र हितग्राहियों को इस योजना से वंचित रखा गया था। वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना का सर्वे किया जाकर पात्र हितग्राहियों के नाम पोर्टल ग्राम पंचायत वार दर्ज किए गए हैं। शासन स्तर से इन पात्र हितग्राहियों की पोर्टल पर दर्ज होने के बाद इन पात्र हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन का कार्य पूरे खरगोन जिले के साथ ही कसरावत तहसील में भी किया जा रहा है, परंतु ये देखने में आ रहा है कि भौतिक सत्यापन कर रहे कर्मचारियों द्वारा पात्र हितग्राहियों के नाम भेदभावपूर्ण रवैये से काटे जा रहे हैं, जो कि न्याय संगत नहीं होकर शासन की इस महंती योजना से पात्र हितग्राहियों को वंचित रखा जा रहा है। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। द्वारा अनुभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग कसरावत महोदय उपरोक्त प्रश्न में निवेदन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पूर्व से ही कई पात्र हितग्राहियों को इस योजना से वंचित रखा गया था। वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना का सर्वे किया जाकर पात्र हितग्राहियों के नाम पोर्टल ग्राम पंचायत द्वारा दर्ज किए गए हैं। शासन स्तर से इन पात्र हितग्राहियों की पोर्टल पर दर्ज होने के बाद इन पात्र हितग्राहियों को भौतिक सत्यापन का कार्य पूरे खरगोन जिले के साथ कसरावत तहसील में भी किया जा रहा है। परंतु ये देखने में आ रहा है कि भौतिक सत्यापन कर रहे कर्मचारियों द्वारा पात्र हितग्राहियों के नाम भेदभावपूर्ण रवैये से काटे जा रहे हैं, जो न्याय संगत नहीं होकर शासन की इस महत्वपूर्ण योजना से पात्र हितग्राहियों को वंचित रखा जा रहा है, जिससे आम नागरिकों के साथ ही पात्र हितग्राहियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। हमारा अनुरोध है कि पोर्टल पर दर्ज पात्र हितग्राहियों के नाम को यथावत रखे जाए, अन्यथा सरपंच संघ और पात्र हितग्राही सड़क पर उतर कर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। अतः हमारा विनम्र निवेदन है कि किसी भेदभाव या पार्टी विशेष के दबाव में आकर पात्र हितग्राहियों के काटे जा रहे नामों को पुनर्विचार कर पोर्टल से नहीं हटाते हुए उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान करें। आज जो ये ज्ञापन दिया है किस संबंध में दिया है, इसमें क्या मांग है आपकी? आज हमने महामहिम एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है जिला पंचायत कलेक्टर के नाम। पूर्व में 2018 में जिस जो नाम कच्चे मकानों के लिए जोड़े गए थे, उस समय उन नामों को यथावत सूची में जोड़कर सभी को पात्र बताया गया है। आज कुछ अधिकारियों द्वारा गांव-गांव जाकर के उन पात्र हितग्राहियों के नाम कुछ कारणों से काटे जा रहे हैं। इस संदर्भ में हम चाहते हैं कि हमारे गांव के जितने भी पात्र हितग्राही हैं, उनको अपने प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिले और भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, ताकि गांव में आक्रोश पैदा ना हो और आक्रोश के साथ गाँव में झगड़ा पैदा ना हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।